हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगितास किचन। आज मैं आप सभी के लिए एक यूनिक सी रेसिपी लाई हूँ जो ना कभी आपने देखी होगी ना सुनी होगी। वो है स्वीट सिमई कबाब की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो स्वीट सिमई कबाब की रेसिपी को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और पसंद आने पर वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं स्वीट सिमई कबाब। तो स्वीट सिमई कबाब बनाने के लिए हमने एक पैन को नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें मावा ऐड कर देते हैं। तो ये हमने 100 ग्राम के लगभग मावा ले लिया है। इसे हम भूंज लेंगे अच्छे से, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए हम इसे सेक लेते हैं। तो ये देखिए मावा हमारा मेल्ट हो चुका है। हम इसे लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए, हल्का सा कलर चेंज होने तक के लिए सेक लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे हम। आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मावा हमारा अच्छे से सिक चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और मावे ने पैन भी छोड़ दिया है। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मावे को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं। सेम पैन में हम एक चम्मच घी ऐड कर देते हैं और इसमें हमने एक कटोरी सिवैया यानी वर्मीसेली ऐड कर दी है। आप इसकी जगह जो बारीक वाली सिवैया आती है वो भी ले सकते हैं। और इसे लगातार चलाते और मीडियम आँच पर हम गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए सेक लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सिवैया गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया हुआ है। दूध को ऐड कर देते हैं हम। मैशिंग के हिसाब से 100 ग्राम के लगभग दूध है ये। दूध को सिवैयों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और जब तक कि सिवैया सॉफ्ट हो जाएगी और दूध पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा तब तक कि हम अच्छे से इसे भूंज लेते हैं। और इसमें ऐड कर देते हैं आधा कटोरी चीनी, यानी 50 ग्राम के लगभग हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। मिक्स कर लेते हैं हम इसे, सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसे हम लगातार पका लेंगे अच्छे से मीडियम आंच पे। तो ये देखिए सिवैया हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और दूध भी अब्सॉर्ब हो चुका है पूरा। अब हम इसमें जो हमने मावा सेक करके रखा था वापस से ऐड कर देते हैं सिवैयों में और मावे को भी सिवैयों के साथ अच्छे से भूंज लेंगे मीडियम आंच पे लगातार चलाते हुए। अच्छे से मिक्स कर देते हैं मावा को सिवैयों के साथ। तो ये देखिए मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है सिवैयों के साथ और पैन भी छोड़ने लग गया है। अब हम इस स्टेज पे इसमें एक चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। अगर आप इलायची पाउडर पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे इलायची पाउडर को और इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते हुए भूंज लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, सिवैया और मावा अच्छे से भून चुके हैं और इसने पैन भी छोड़ चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम इसे इस बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख करके ठंडा कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम सेम पैन में एक कप दूध ले लेते हैं। हमारे घर में जो नॉर्मल दूध है हमने वही यूज किया है। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। फ्लेम को लो ही रखेंगे और मिल्क पाउडर को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि दूध में मिल्क पाउडर का कोई लम्स ना रहे। लगातार चलाते हुए इसे मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो मिल्क पाउडर की जगह मावा भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें यहाँ पर 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर देते हैं और चीनी को भी मेल्ट होने तक के लिए हम चला लेते हैं। अब हम दूध को जब तक बॉइल करेंगे जब तक दूध थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, यानी दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाए, जब तक कि हम दूध को अच्छे से पका लेंगे। हम इसमें एक अच्छी खुशबू आने के लिए और अच्छे से फ्लेवर आने के लिए रोज एसेंस डालेंगे। अगर आप नहीं चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच रोज एसेंस डाल रही हूँ। मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं दूध में इसे। हम इसमें थोड़ा सा पिस्ता भी ऐड कर देंगे और दूध को मीडियम आंच पर बॉईल होने देंगे गाढ़े होने तक के लिए। हमने पिस्ता भी ऐड कर दी है, मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि दूध ठंडा होने पर भी और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये देखिए हमने दूध को इस बाउल में निकाल लिया है और इसे ठंडा होने देते हैं। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब तक दूध ठंडा हो रहा है हम सिमई के कबाब बना लेते हैं। तो सिमई भी ठंडी हो चुकी है, हाथों को इस तरह से घी से ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे हम नींबू के साइज के बराबर का
और इस तरह से हाथों से उसको आइसक्रीम के स्टिक पे इस तरह से हम कबाब का शेप देते हुए उसे कबाब तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप बिना स्टिक के ही कबाब का शेप दे करके तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हाथों से प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारा कबाब बन करके तैयार हो चुका है सेवई का। इसे प्लेट में रख देते हैं हम। उसे इसी तरह से हम दूसरा कबाब भी बना करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दूसरा भी हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम सारे सेवई के कबाब बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम डिलीशियस। जब आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे और आपको बहुत ही पसंद आएगी ये। जब भी कोई मेहमान आए तो डेजर्ट के रूप में आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे कबाब बन करके रेडी हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमने सारे कबाब को इस तरह से प्लेट में रख लिए हैं। इसके ऊपर जो हमने रबड़ी बना करके तैयार करी थी ठंडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी लगती है ठंडी ठंडी रबड़ी। तो इसे हम कबाब के ऊपर इस तरह से डाल देते हैं। ये ठंडी ठंडी रबड़ी कबाब के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी रेसिपी है। गार्निश कर देते हैं थोड़ा सा पिस्ता से इसको। और हमारे पास ये चेरीज हैं, इसको हम इस पर डेकोरेट कर देते हैं। ये दिखने में जितनी यम्मी दिख रही है, जितनी ही सुंदर दिख रही है, खाने में भी उतनी ही डिलीशियस है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए हमारे स्वीट सेवई कबाब बन करके तैयार है। बहुत ही यम्मी और यूनिक रेसिपी है। आप इसे जब भी खाएंगे या जिसे भी खिलाएंगे सब आपकी तारीफ करेंगे। तो अगर आपको मेरे स्वीट सेवई कबाब की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।